नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार राम सेतु ये नाम बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा जो हर बार रामायण के द्वार पर चर्चा में होता है। ये एक पत्थर की लाइन ना होकर इतिहास और रास्ता का एक पवित्र संगम है। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच बना ये ब्रिज बेहद ही विशाल और लंबा है, पर बहुत से साइंटिस्ट इसके निर्माण पर उंगलियां उठाते हैं। हर कोई अपने अलग अलग राय रखता है। अगर हम साइंस के माने तो साइंस कहता है कि ये ब्रिज मैन मेड ना होकर प्राकृतिक रूप से बना है, और इसका सबूत साइंस इस बात को मानता है कि इस ब्रिज में पाए जाने वाले पत्थर, जो कि चूना पत्थर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ज्वालामुखी फटने के बाद तैयार होते हैं, इस कारण से साइंस को लगता है कि ये ब्रिज मैन मेड ना होकर नेचुरली डेवलप हुआ है। और अगर हम रामायण की माने तो उनके मुताबिक भगवान राम और उनके वानर सेना द्वारा श्रीलंका तक पहुँचने के लिए बनाया गया था। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है कि ये पुल नर और नील नामक वानरों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने पत्थरों को समुद्र के ऊपर रखकर इस पुल का निर्माण किया था। अब यहाँ पर नया क्वेश्चन आता है कि क्या ये संभव है? तो कई पुरातत्व और रिसर्चर्स ने माना है कि ये पुल मानव निर्मित है। उनके मुताबिक ये पुल 7000 साल पुराना है, और इस पुल को बनाने में करीब 5 दिनों का समय लगा होगा, जिसकी लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर बताई जाती है। आपको राम सेतु के बारे में सुनकर एक सवाल जरूर खटकता होगा कि आखिर क्या राज है कि राम सेतु के ये पत्थर पानी में तैर सकते है? तो साइंस के अनुसार सेतु के बनते टाइम चूना पत्थर के शिलाओं का उपयोग किया गया है, जो कि ज्वालामुखी के लावा से बनता है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो उनमें मिश्रित हवा बुलबुले बनकर इनमें अटक जाती है, जिसके कारण पत्थर पानी पर तैर सकते हैं। इसे यहाँ पर रामायण के अनुसार इस सेतु में यूज किए जाने वाले पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखकर पानी में छोड़ा गया था, तो इसी वजह से शायद ये पत्थर पानी में तैरते है। वैसे दोस्तों, मैं इस वीडियो में ना साइंस की ना अध्यात्म की साइड में हूँ। मैं तो सिर्फ अपने नॉलेज के अनुसार दोनों की साइड एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।